गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कोमल गोयल, योर इंग्लिश टीचर। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू राइट अ नोटिस। स्टूडेंट्स, फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज़ नोटिस। नोटिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ मेड फॉर अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल। नोटिस जानकारी का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि एक बड़े समूह के लिए है। There are the some key points to remember while writing a notice. यहाँ पे कुछ key points दे रखे हैं जो कि हमें notice लिखते समय ध्यान में रखने चाहिए। First is format, प्रारूप। Notice लिखते समय notice का एक particular प्रारूप होता है, उसको use करना चाहिए। We should always use polite and formal language. हमें हमेशा polite language और formal language का use करना चाहिए। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग जैसे शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज़ इनडायरेक्ट लैंग्वेज एंड पैसिव वॉइस। हमें इनडायरेक्ट लैंग्वेज और पैसिव वॉइस का यूज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट मेक एनी स्टेटमेंट इन इन्वर्टेड कॉमा। हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना चाहिए नोटिस लिखते समय, जैसे कि आई, वी, यू एट्सेट्रा। नोटिस शुड बी शॉर्ट, कॉम्पैक्ट एंड प्रीसाइज। अननेसेसरी डिटेल्स शुड बी अवॉइडेड। सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ इशूइंग नोटिस एंड लास्ट डेट। बच्चों, हमें नोटिस को जारी करने की डेट और लास्ट डेट के बीच में एक उचित अंतर रखना चाहिए। जैसे कि अगर हमने नोटिस 1 जुलाई को लिखा है तो उसकी लास्ट डेट हमें हमेशा 6 या 7 जुलाई रखनी चाहिए। एक उचित डिफरेंस, 5-6 दिन का अंतर रखना चाहिए। फॉलो द वर्ड लिमिट, दैट इज 50 वर्ड्स। लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुट द नोटिस इन द बॉक्स। नोटिस को बॉक्स में लिखना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दोज आर द सर्टेन कीवर्ड्स। Now let's know the format of the notice. So firstly, we should draw this box. Then we should write the name of the organization and institute which is issuing the notice. सबसे पहले हमें ये बॉक्स को ड्रॉ कर लेना चाहिए, फिर हमें उस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट का नाम लिखना चाहिए मिडिल पोर्शन में जो इस नोटिस को इशू कर रहा है। देन वी शुड राइट द वर्ड नोटिस। आफ्टर दैट वी शुड राइट द डेट ऑन विच नोटिस इज इशूड। हमें उस डेट को यहाँ पे लिख देना चाहिए जिस डेट पे नोटिस इशू हो रहा है। आफ्टर दैट इन द मिडिल पोर्शन वी शुड राइट द हेडिंग, टॉपिक और टाइटल ऑफ द नोटिस ऑन विच वी आर राइटिंग अ नोटिस। उस हेडिंग, टॉपिक और टाइटल को लिखना चाहिए जिसके बारे में हम ये नोटिस लिख रहे हैं। देन द बिलो इट द बॉडी ऑफ द नोटिस कम्स। उसके बाद हम लोगों को नोटिस की बॉडी, मतलब मेन इंपॉर्टेंट मैसेज हमारा क्या है वो लिखना चाहिए। द होल बॉडी ऑफ द नोटिस कंटेन सर्टेन डिटेल्स। नोटिस की पूरी बॉडी में ये डिटेल्स होती हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले प्रॉपर बिगनिंग हमें रखनी चाहिए, यानी कि हमें जो नोटिस है उसकी स्टार्टिंग एक प्रॉपर वे में करनी चाहिए। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स और स्टूडेंट्स। हमें सबसे पहले इस तरीके का वाक्य लिखना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या इवेंट क्या है, हमारा पर्पस क्या है, किसके लिए हम ये नोटिस लिख रहे हैं, फॉर हुम, किसके लिए लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, फिर कब हमारा ये इवेंट और पर्पस है, टाइम, डेट, प्लेस और उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस हमें इस नोटिस में आगे कंटिन्यू करने चाहिए। उसके बाद डेडलाइन और लास्ट डेट लिखनी चाहिए। बच्चों, डेडलाइन कि इस इवेंट और पर्पस के बारे में लास्ट में क्या लिखा जा रहा है, और लास्ट डेट बच्चों, अगर हम जैसे कि हमारे स्कूल में अगर कोई इंटर स्कूल कंपटीशन है या एनुअल फंक्शन है उसके बारे में अगर हम कोई नोटिस दे रहे हैं
तो उस समय लास्ट डेट में हमको टाइम, डेट, प्लेस फिर से लिखना पड़ेगा, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेडलाइन लिख के हम लोग उसको छोड़ सकते हैं। देन द नोटिस शुड बी एंडेड प्रॉपरली, उसके बाद हमें एक प्रॉपर वे में नोटिस को एंड करना ही चाहिए। एग्जाम्पल, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन। बच्चों ये सेंटेंस आपको मोस्टली नोटिस में लास्ट में दिखेगा। इन देन इन लास्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल राइट द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन एंड इट्स डिजिग्नेशन और पोस्ट लाइक हेड बॉय, हेड गर्ल। उसका हमको सिग्नेचर लिख करना चाहिए, उसका नाम, उस पर्सन का नाम लिखना चाहिए और उसकी पोस्ट, उसका डिजिग्नेशन क्या है उसके बारे में यहाँ पर हमें डिटेल देनी पड़ती है जिसने इस नोटिस को इशू किया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द हाउ टू राइट अ नोटिस। लेट्स सी अ एग्जांपल ऑफ अ नोटिस। यू आर सुनील एंड सुनीता, हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ ABC कॉन्वेंट स्कूल। योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग नेम्स ऑफ ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। बच्चों आपको ये नोटिस लिखनी है जो आप ABC कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हो और हेड बॉय या हेड गर्ल हो, आपके स्कूल एक इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पटिशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, तो इस बारे में आपको जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं उनको इनवाइट करना, उनके नेम्स को लिखना है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी शुड ड्रॉ अ बॉक्स, देन राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ABC कॉन्वेंट स्कूल, देन राइट नोटिस, इशूइंग डेट एंड द टाइटल और टॉपिक इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन दैट इज मेंशन इन आवर क्वेश्चन, दैट इज द बॉडी ऑफ द नोटिस। इट्स बिगनिंग इज दिस इज इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ABC स्कूल, ABC कॉन्वेंट स्कूल, दैट इज अ पर्पस ऑफ द इवेंट, टाइम, डेट, डे एंड द प्लेस, इंस्ट्रक्शंस एंड इट इज़ अ लास्ट लाइन एंड लास्ट डेट, दैट इज़ अ सिग्नेचर, नेम एंड द पोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु इज़ इशूइंग दिस नोटिस। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड द नोटिस। जय हिंद।